गुरु सत्य की तलवार है, ज्ञान का भंडार है, गुणों का अंबार है, दया की मूर्ति है। वही गुरु वेदों के दाता वेदव्यास हैं। वही गुरु ध्रुव प्रहलाद एकलव्य शिवाजी जैसे शिष्यों के जीवन का सार है। वही गुरु जो ज्ञान देकर मृत्यु के भय को भी जीवन की विजय में परिवर्तित कर दें, हमारे जीवन में एक उपहार हैं। तो दोस्तों, ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ये हमारे जीवन में एक साधारण दिन की तरह नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि है और इस दिन हमारे इतिहास में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। सबसे पहले वेदों के दाता, यहाँ वेदों के ज्ञाता, जिन्होंने हमें वेदों से परिचित कराया, जिन्होंने उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, सबसे बड़ा काव्य महाभारत लिखा, उनके रचयिता वेदव्यास जी, जिनका नाम था कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, उनका जन्म भी आज की तिथि के ही दिन हुआ था। और उसके अलावा गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन पहली बार सारनाथ में धर्मोपदेश किया था। और योगिक कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि आदियोगी शिवा लगभग 15,000 साल पहले सप्त ऋषियों को योगा का ज्ञान दिए थे, वो भी इसी दिन। हमारी संस्कृति में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु शब्द का हम अगर अर्थ देखें तो गु शब्द का अर्थ होता है अंधेरा और रु शब्द का अर्थ होता है उसे दूर करने वाला। तो गुरु हमारे जीवन में अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसे अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हटा देते हैं। और गुरु की महिमा का दोहों में हम अक्सर इस तरह से वर्णन सुनते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, और अगर हमें चुनाव करना हो कि हमें गुरु के चरणों को चुनना है या गोविंद के चरणों को, स्वयं भगवान के चरणों को, तो भगवान ही आगे आकर के कह देते हैं कि आप बिना सोचे ही जाकर के अपने गुरु को चुन लीजिए। गुरु को ही हमारे श्लोकों में, शास्त्रों में ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वो ज्ञान देकर के हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। गुरु को ही विष्णु कहा गया है क्योंकि वही हमारे जीवन को पालने वाले हैं, मतलब उन्हीं के ज्ञान की सहायता से, उन्हीं की सलाह से हम अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। और हमारे गुरु को ही महेश भी कहा गया है, अगर वो चाहें तो हमारा संहार भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान की सहायता से हमारे अंदर समाये हुए सारे अनर्थों का संहार करते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम पहले तो ये देखते हैं कि किसी शिष्य में क्या गुण होने चाहिए। तो शिष्य से जो सबसे ज़्यादा अपेक्षित भाव है वो है अपने गुरु के प्रति समर्पण। अगर हम इतिहास में चल के एक घटना को देखना चाहें तो वो हमें मिलती है छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी अपने गुरु समर्थ रामदास के प्रिय शिष्य थे। उनके जो बाकी गुरु के शिष्य थे वो शिवाजी से थोड़ा सा इस बात से जलते थे, वो ऐसा सोचते थे कि शिवाजी तो राजा हैं इसलिए शायद हमारे गुरु के प्रिय शिष्य हैं, अन्यथा उनमें ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। तो एक दिन समर्थ गुरु रामदास ने ऐसा सोचा कि मैं इन सबको ये साबित करता हूँ कि शिवाजी मेरे प्रिय शिष्य या जो प्रिय व्यक्ति हैं वो क्यों हैं। तो समर्थ गुरु रामदास सभी शिष्यों को लेकर के जंगल में गए और वहाँ पर गुरुजी एक गुफा में जाकर के बैठे लेट गए और कहने लगे कि मुझे मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। तो सभी शिष्य आकर बोले कि गुरुजी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई उपाय हो तो आप हमें बताइए। तो गुरुजी ने पहले तो कहा कि नहीं, आप रहने दीजिए, उपाय है तो सही मगर आप रहने दीजिए, मेरी पीड़ा रहने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं गुरु, आप बताएं। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे अगर आप शेरनी का दूध ला करके दे सकें तो मेरी ये जो पीड़ा है ये शांत हो जाएगी। सारे शिष्य डर गए और उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे संभव है, हम शेरनी का दूध तो कैसे ही ला सकते हैं। अब ये बात शिवाजी को पता चली और शिवाजी वहाँ पर आए और गुरुजी से पीड़ा का कारण पूछा। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं नहीं शिवाजी, तुम रहने दो, मुझे पीड़ा है हालांकि लेकिन तुम रहने दो। शिवाजी ने कहा नहीं, अगर ऐसा कोई भी उपचार है जो आपको ठीक कर सकता है मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताएं। तो सेम बात गुरुजी ने शिवाजी को कही कि आप अगर शेरनी का दूध ला सके तो मेरी पीड़ा शांत हो जाएगी। शिवाजी तुरंत वहाँ से प्रस्थान किए और जंगल में उन्हें शेरनी के बच्चे खेलते हुए दिखे तो वो समझ गए कि आसपास ही शेरनी है, और उन्हें शेरनी भी दिखी। तो जब वो पास गए तो शेरनी दहाड़ने लगी। तो शिवाजी जाकर के प्रणाम किए, हालांकि वो इतने बलशाली थे, वो चाहते थे तो युद्ध कर सकते थे शेरनी से, लेकिन वो प्रणाम किए और कहे प्रेम से कि आप मुझे अपना दूध ले जाने दीजिए, मैं यहाँ पर आपको
कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। तो शेरनी भी उनके इस प्रस्ताव से रह नहीं पाई और उन्होंने एक जानवर का भी दिल अपनी बात से, अपने प्रेम से जीत लिया और शेरनी का दूध वो आराम से ले गए। और ऐसा भी है कि वो शेरनी उनको चाटने लगी थी और वो दूध का अपना पात्र भर करके अपने गुरु के पास ले गए। और तब उन सभी शिष्यों को ये बात समझ में आई कि शिवाजी जो हैं वो समर्थ गुरु रामदास के प्रिय शिष्य क्यों हैं। अब अगर हम गुरु के चरित्र की चर्चा करें तो गुरु ज्ञान, विनम्रता और वैराग्य की पराकाष्ठा हैं। उनसे बढ़कर इन तीनों गुणों में और कोई हमें नहीं मिल सकता। तो एक गुरु का उदाहरण हम देखते हैं जो कि भगवान कृष्ण स्वयं थे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और कृष्ण मित्र ही थे, अर्जुन कृष्ण को मित्र ही समझते थे। तो अर्जुन हार मान चुके थे, अर्जुन को ऐसा था कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। वो कांपने लगे थे, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे कि मुझे ये युद्ध नहीं करना। तो उस वक्त उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और अब आप कृपया करके मुझे मार्ग प्रशस्त करें। तब भगवान ने भगवद्गीता कही थी। अब भगवद्गीता इस दुनिया की ऐसी पुस्तक है जिसमें हर प्रश्न का उत्तर है। इसी से हमें पता चलता है कि गुरु ज्ञान की पराकाष्ठा है। और अब भगवान पूरी भगवद्गीता का ज्ञान देने के बाद में भी अर्जुन के सारथी ही बने रहे। अब जो सारथी होता है उसका काम होता है रथ को हांकना। तो इतने भरे युद्ध भरे मैदान में इतना शोर होता है, चीखने की आवाजें होती है, तो वहां पर जो रथी है वो सारथी को ये नहीं कह सकता कि आप दाएं मुड़िए या आप बाएं मुड़िए। वो तो अपने पैर से लात भी मार देगा। अगर दाहिने से मुड़ना है तो दाहिने पैर से लात मार देगा या बाहिने से तो बाहिने पैर से कि आप इधर मुड़ना है। तो भगवान जो कि गुरु बन चुके थे अब अर्जुन के, उन्होंने ये कार्य करना भी स्वीकार किया अपने शिष्य के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गुरु जो है वो विनम्रता और वैराग्य की भी पराकाष्ठा है। आज ही के दिन इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर नेपाल राष्ट्र में सरकारी छुट्टी घोषित की हुई है और हमें कम से कम अगर हम छुट्टी नहीं कर सकते तो इतना तो करना ही चाहिए कि हम अपने गुरु के पास जाएं, उन्हें प्रणाम करें। और इस दिन गुरु दक्षिणा देने का भी एक प्रचलन है हमारी प्रथा में, लेकिन आज वो शायद संभव नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फीस नाम से सीमित होकर रह गया है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी आज अपने अपने गुरुओं, आचार्यों, जिनको भी आप याद करते हैं, जिन्होंने भी आपको जीवन में जो आप हैं वो बनाने में सहायता की है, वो आपके बड़े भाई हो सकते हैं, वो आपके पिता हो सकते हैं या वो कोई आचार्य हो सकते हैं, उन्हें जाकर के शुक्रिया करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे और वीडियोज़ में।